महाराज आप हमारी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दें और राजगद्दी त्याग कर चले जाएं। सावधान। सावधान। आप यदि महाराज जामवंत के दूत न होते तो अब तक आपका सर धड़ से हम अलग कर चुके होते। युद्ध में यदि हमारे सैनिकों का रक्त बहेगा तो आपके सैनिकों का भी बहेगा। निर्दोष सैनिकों के प्राणों के मूल्य पर राज सिंहासन का जुआ खेलना चाहते हैं आप? क्यों ना हमारे राज्य का एक योद्धा आपके राज्य के एक योद्धा से युद्ध करे और जो योद्धा विजयी हो वही राज्य विजयी घोषित किया जाए। महाराज हमें अनुमति दें कि हम अपने रक्त की अंतिम बूंद तक, अपने तन की अंतिम सांस तक विजयनगर साम्राज्य के सम्मान के लिए लड़े। अद्भुत अद्भुत। परंतु महाराज युद्ध के नीति और नियम निश्चित करने का अधिकार उस राज्य को होता है जो अधिक शक्तिशाली होता है। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि प्राण तो सबके मूल्यवान होते हैं, चाहे वो सहस्र सैनिकों के हो या फिर किसी एक योद्धा के। तो फिर महाराज किसी के भी प्राण क्यों जाए? इसलिए एक और मार्ग है। कौन सा मार्ग? शस्त्र का नहीं अपितु शास्त्रार्थ का मार्ग, बल का नहीं अपितु बुद्धि का युद्ध। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? हमारे राज्य की राजकुमारी देवयानी की बुद्धि कौशल और चातुर्य का प्रसंग दूर दूर तक प्रसिद्ध है। किंचित ही पूरे विश्व में कोई ऐसा है जो उनकी बुद्धिमता की बराबरी कर सकता है और उनके पहेलियों को सुलझा सकता है। और फिर महाराज हमने सुना था और आज प्रत्यक्ष देख भी लिया, पंडित रामाकृष्णा 20 वर्ष के अज्ञातवास के बाद वापस आ गए हैं। तो फिर क्यों ना हमारी राजकुमारी की पहेलियों का उत्तर पंडित रामाकृष्णा दें। ओ तेरी, मैं तो अपनी जाल में फंस गया। मैं बापू नहीं हूँ, भास्कर हूँ। भास्कर निसंदेह पंडित रामकृष्ण आपकी राजकुमारी की हर पहेली का उत्तर देंगे। फिर चाहे बाबर और सुल्तान का आक्रमण हो या फिर चीनी व्यापारियों की चालाकियां, पंडित रामकृष्ण ने सदैव अपनी चतुराई से विजयनगर की रक्षा की है। इसलिए जब तक पंडित रामकृष्ण हमारे साथ है विजयनगर की विजय निश्चित है। बापू मुझ में तुम्हारी बुद्धिमता नहीं है, इतना बड़ा उत्तरदायित्व कैसे निभाऊंगा मैं? हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी ही भांति पंडित रामकृष्ण भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये निश्चित हुआ महाराज, हमारी राजकुमारी देवयानी 5 दिवस में 5 पहेलियां पूछेंगी और उनका उत्तर पंडित रामाकृष्णा को देना होगा और उसी के आधार पर विजयनगर की हार और जीत का निर्णय होगा। या तो युद्ध भूमि से हम अपने सैनिक हटा लेंगे या फिर आप विजयनगर हमें सौंप देंगे। हमें आपकी चुनौती स्वीकार है। पंडित रामकृष्णा, अब विजयनगर साम्राज्य का भविष्य आपके हाथों में है। पंडित रामकृष्णा की जय। पंडित रामकृष्णा की जय। ये जो भी हो रहा है उसके पीछे अवश्य ये क्या काला है जिसने मुझे फंसाने के लिए ही ये जाल बिछाया है। किंतु मैं राजकुमारी की पहेलियों का उत्तर कैसे दूंगा? कैसे विजयनगर को बचाऊंगा मैं? बापू के समान बुद्धिमान कहाँ हूँ?
महाराज, मैं राजकुमारी की पहेलियों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। क्या? पंडित रामकृष्ण जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ महाराज, आज तक मैंने न जाने कितने बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर दिया है, न जाने कितनी पहेलियों और चुनौतियों का सामना किया है, समस्याओं का समाधान किया है। क्या इन छोटी मोटी मामूली सी पहेलियों का उत्तर देना मुझे शोभा देगा महाराज? मान सम्मान के आवरण के पीछे कहीं छुपना तो नहीं चाहते पंडित रामकृष्णा? क्योंकि हमारी पहेलियों का उत्तर देना इतना आसान भी नहीं है। लीजिए और हार स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वर्षों की प्रतिष्ठा इस बुद्धि युद्ध की बलि चढ़ जाए। पंडित रामकृष्णा जी, रामकृष्णा जी को हमारा नमन। आपके विषय में बहुत सुन रखा है, तो चलिए अधिक समय व्यर्थ ना करते हुए आपसे सीधे पहेली ही पूछ लेते हैं। ये तुझे मरवाएगी भास्कर, ये तुझे मरवाएगी। पूरी तैयारी करके आई है, चतुराई तो देखो, सीधे पहेली पूछने पर आ गई। एक काम करता हूँ, थोड़ी प्रशंसा करके पहले ही से बहलाता हूँ। हाँ, पहेलियाँ भी पूछ लीजिएगा राजकुमारी जी, किंतु हमारे विजयनगर की संस्कृति है कि आए हुए अतिथि का आदर सत्कार होना चाहिए। आप तो इतनी गुणवती, इतनी बुद्धिमती, इतने विशाल राज्य की राजकुमारी है, आपका आदर सत्कार तो अवश्य ही होना चाहिए। क्यों महाराज? हमारी पहेलियों का उत्तर देना है हमारा सत्कार है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमारी जी के लिए चुकंदर, अमरूद, गाजर, इन सब का रस लाया जाए, और हाँ, अंत में सेब का रस भी लाया जाए। अद्भुत, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि हमें फलों का रस अति प्रिय है? आपकी सौंदर्यता देखकर तो किसी को भी ज्ञात हो जाएगा कि आप फलों के रस का सेवन अवश्य करती होंगी, है ना? अच्छा, अद्भुत। आपको ये भी ज्ञात हो गया कि हमें कौन कौन से फलों के रस पसंद है, परंतु आपने सेब का रस भी मंगवा लिया। जो हमें
कदापि प्रिय नहीं है। वो तो स्वयं के लिए मंगाया था। जैसा आपके बारे में सुना था ठीक वैसे ही निकले। आप भूल सकते हैं परंतु हम कदापि नहीं भूल सकते कि आप हमारे शत्रु हैं। और शत्रु के घर हम पानी तक नहीं पीते। पीना भी नहीं चाहिए, इसलिए तो मैंने फलों का रस मंगाया है। मानना पड़ेगा बातों के भी धनी हैं आप। चलिए, आदर भी हो गया, सत्कार भी हो गया, हास भी हो गया, परिहास भी हो गया। अब समय आ गया है कि हम आपको स्मरण करवा दें कि आगामी 5 दिवस तक प्रतिदिन हम आपसे एक पहेली पूछेंगे जिसका उत्तर केवल आपको देना होगा, और वो भी 1 दिवस के भीतर। राजकुमारी देवयानी जी, आपने कहा कि आपने पंडित रामकृष्ण के विषय में सुना है, बहुत अच्छी बात है, परंतु आपने मात्र सुना है, जाना नहीं है। यदि आप पंडित रामकृष्ण के चातुर्य के विषय में जानती तो आप उन्हें 1 दिवस अर्थात 8 प्रहर का समय कदापि नहीं देती। जानती हैं क्यों? क्योंकि पंडित रामकृष्ण आपकी हर पहेली का उत्तर मात्र 8 क्षण में दे सकते हैं। हे प्रभु, ये मुझे और अधिक मरवाएंगे। आप तथाचार्य जी है ना? मात्र तथाचार्य नहीं, अभी तू राजगुरु तथाचार्य। आपके विषय में भी बहुत कुछ सुना है हमने। धन्यवाद। कहते हैं कि राज दरबार में गुरु है जिनका नाम तथाचार्य है जी, जो हर विषय में अपनी टांग अड़ाते हैं। शांत हो जाइए आप। राजकुमारी जी, आप अपनी पहेली पूछिए। आरंभ करें। रात सा स्याह काला, गंगा निकट पाए जाने वाला, बड़े बड़े कोशों का पहरेदार, गले में जैसे कोई हो हार। बूझो मुझे क्या कहता है संसार। सर चक्कर खा रहे हैं, किंतु कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ पंडित रामकृष्णा जी, उत्तर दीजिए। ऐसा ज्ञात हो रहा है जैसे आपको उत्तर नहीं पता। राजकुमारी जी, मुझे आपके द्वारा पूछी गई पहेली का उत्तर ज्ञात भी है और दे भी सकता हूं, किंतु दूंगा नहीं। पंडित रामकृष्ण जी, अब क्यों? क्योंकि आपके द्वारा पूछी गई पहेली का उत्तर यदि मैंने इतनी आसानी से दे दिया तो कहीं ना कहीं आपके सम्मान में कमी हो जाएगी राजकुमारी जी, क्योंकि किसी भी प्रश्न या पहेली का उत्तर इतनी शीघ्रता से देने से उसका और उसके पूछे जाने वाले का महत्व कम हो जाता है। वाह! बातों के भी धनी हैं आप। अरे काहे का धनी, मुझे तो इस पहेली का उत्तर दूर दूर तक याद नहीं है, इसलिए समय ले रहा हूँ। लगता है इसका शिकार तो पहेली के पहले तीर से ही हो गया, आखिर फंस ही गया। 8 प्रहर, 8 प्रहर है आपके पास, और समय सीमा समाप्त होने से पूर्व आप हमारी पहेली का उत्तर देकर हमारा और अपना दोनों का मान रखें और अपने राज्य को पराजय से बचाइए।
ऐसी पहेली पूछी है कि जिसके लिए 8 प्रहर तो क्या 8 दिवस भी कम पड़ जाएंगे। अब क्या करूं, कैसे उत्तर दूं? रामा जी, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस पहेली को सुलझा लेंगे। आप पंडित रामाकृष्णा जी, इसी भांति आपने विजयनगर की वर्षों पहले भी रक्षा की है और अब आप पुनः करेंगे। इन्हें कैसे समझाऊं कि वो मेरे बापू थे, ये पहेलियां वहेलियां सुलझाना मेरे वश का नहीं है। अब राज्य का भविष्य आपके हाथ में है। यहाँ पहेली का उत्तर मेरे हाथ में नहीं है और ये लोग राज्य का भविष्य मेरे हाथों में देख रहे हैं। वाह, धन्यवाद धन्यवाद। बादाम, राधा अम्मा कहती है कि बादाम खाने से मस्तिष्क तीव्र गति से चलता है। उत्तरी भाई, ये बादाम किसके कक्ष में ले जा रहे हो? महाराज के कक्ष में। किंतु इस तरह से ले जाओगे तो महाराज क्रोधित होंगे, अपने पीठ पर देखो। अद्भुत अद्भुत महामात्य, शारीरिक और मानसिक दोनों बलों के राजा है। अब विजयनगर के राजा बनने की तैयारी कीजिए आप, क्योंकि उस राजकुमारी ने ऐसी पहेली पूछी है जिसको बूझना अत्यंत कठिन है। राजकुमारी ने यदि आसान पहेली पूछी होती तो इस समय तुम्हारा सर विजयनगर के मुख्य द्वार पर लटक रहा होता। समझे कि नहीं समझे? पंडित रामकृष्णा, रुकिए। कहिए गुरुवर। आपकी एक मुट्ठी में बादाम और मुखमंडल पर चिंता की लकीरें दोनों एक साथ शोभा नहीं देते। क्या हुआ, आपको पहली का उत्तर ज्ञात नहीं? वैसे आपको एक बात बताएं, राजकुमारी पहेली पूरी भी नहीं कर पाई थी कि हमें पहेली का उत्तर ज्ञात हो गया था। उत्तरी, ये बात है, तब तो इनसे पहेली का उत्तर निकलवाना होगा। गुरुवर, आपने मुझे तो कह दिया कि आपको पहेली का उत्तर ज्ञात है, किंतु और किसी के समक्ष मत कहिएगा। क्यों? क्योंकि मुझे ज्ञात है कि आपको इतनी कठिन पहेली का उत्तर ज्ञात हो ही नहीं सकता। आप केवल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो भी वायु में। क्या वायु में? अरे हम क्या आपको वायु में लटके दिखाई दे रहे हैं? हम धरती पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। हाँ, हमें पहेली का उत्तर क्या थे? तो फिर पहेली का उत्तर बताइए। हाँ, बताएंगे 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 अवश्य बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। प्रथम आप हमें वो चिरयौवन वाली जड़ी बूटी दीजिए ना। अच्छा, तो ये मुझे प्रलोभन देकर जड़ी बूटी पाना चाहते हैं। रहने दीजिए गुरुवर, मैं पहेली का उत्तर स्वयं बूझ लूंगा। वैसे आपको महामत्य कैकाला जी स्मरण कर रहे थे? अच्छा, हाँ। चलते हैं, हमें एक आवश्यक कार्य है। हाँ, जब से बापू बना हूँ तब से सब मुझे ही नचाए जा रहे हैं। अब मुझे ज्ञात हुआ बापू कि इन सबको संभालते संभालते तुम्हारी कैसी दशा होती होगी। अब देखना यह है कि रामा का बहरूप या पहेली को कैसे बुझा पाता है। आप निश्चिंत रहिए मामात, वो बहरूप या उस पहेली का उत्तर कदापि नहीं दे पाएगा। किंतु यदि वो सही उत्तर देने में सफल हो गया तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उसका मस्तिष्क स्थिर न रहे। किसी ऐसी विपदा में उलझाना होगा कि उससे निपटने में ही सारा समय व्यर्थ कर दे। उसे कल तक उस पहेली के विषय में सोचने का समय नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, नहीं।